कॉमरेड हनुमान भी सामने के शीशे पर चिपके हुए हैं। ये खेत और वो कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियों पर ही इस जिले का नाम है, कैमूर जिला, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भभुआ। जी हाँ ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब नाम बताएं। सुनील। आगे जो ये पोखर है गांव का पोखर, उसमें खुदाई चल रही है, जेसीबी लगा हुआ है। पोखर और इसमें ही जारी है खुदाई। यात्रा समाप्त, सेवा समाप्त। में लौका था तो हमने गांव के सामुदायिक पोखरा है, और ई जोन हाथ में लौका था, हाँ एक कह जला सितू है। अब धीरे धीरे ही आउट ऑफ फैशन हो गई बा, कहे कि जनता सब कोई अब छिलनी के इस्तेमाल कर रहा बा। इबाना बहादुर, इबाना रवि। तो ये आज गांव में पोखरा जोन बा वो बहुत पुरान पोखरा है, मगर इसमें खुदाई के काम चलता। जब हम महीने है जा तो ऐजा सितुहा लग गई, तो सोचल गई कि भाई एकरा के शूट कर जाओ कोनो तरीका से। और आप सभी अगर देख सकते हो तो ये जो सितुहा आप लोगों को दिखलाई पड़ रहा है, ये सितुहा ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि घोंघा, इसके भीतर जीव होते हैं जो अभी तो ये फिलहाल इतनी गर्मी की वजह से ये सारे जीव इसके अंदर मर गए हैं। जैसे अगर आप लोगों ने घोंघा, जिसको अंग्रेजी में स्नेल भी कहते हैं, उसको अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये ठीक उसी तरीके का जीव है। और ग्रामीण महिलाएं इसको छिलनी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। छिलनी, आप अब सोच रहे होंगे कि छिलनी के तौर पे कैसे, तो दरअसल इस हिस्से को जमीन पर हल्के 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 रगड़ करके यहाँ छेद हो जाता है, हल्का सा छेद, तो उसी छेद से फिर ये आम छिलने के काम, सब्जी छिलने के काम, बेसिकली ग्रामीण महिलाएं इसको। और जैसे अगर आप लोगों ने घोंघा, जिसको अंग्रेजी में स्नेल भी कहते हैं, उसको अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये ठीक उसी तरीके का जीव है। और ग्रामीण महिलाएं इसको छिलनी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। छिलनी, आप अब सोच रहे होंगे कि छिलनी के तौर पे कैसे, तो दरअसल इस हिस्से को जमीन पर हल्के 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 रगड़ करके यहाँ छेद हो जाता है, हल्का सा छेद, तो उसी छेद से फिर ये आम छिलने के काम, सब्जी छिलने के काम, बेसिकली ग्रामीण महिलाएं इसको बिना पैसे की छिलनी है उनके लिए, जो कहीं भी बिहार के खास तौर से अलग अलग हिस्सों में इस सितुहे को छिलनी के तौर पे। हाय हेलो करबा जा, हाय हेलो कदा जा, हाय ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। ये घोंघा है और इसको अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं। देखिए ये धीरे 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 अपना ये मुंह जो है बंद कर ले रहा है, और ये ठीक इसी तरीके से रहता है, और ये ऐसे पानी में ऐसे ऐसे चलता है। कुछ देर के बाद चला लग गया सर। देखिए ये देखिए, इसको जब आप छुएंगे ऊपर से तो ये अपने आप को जैसे कछुआ अपने आप को बंद कर लेता है अपने कवच के भीतर, सेल जो है इसका ऊपरी सेल है, और ये तो ठीक इसी तरीके से सितुहे के भीतर भी जीव होता है। गर्मी में ये भी आमतौर पे घोंघा भी जो होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, इसका जीव जो होता है मर जाता है जब उसको फिर देखिए, ये देखिए देख रहे हैं, जैसे कि आप अगर ये देख सकते हो, देखिए ये यहाँ पर एक्टिविटी करता हुआ भी दिखलाई दे रहा है,
और आप इसको जैसे ही छूने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप को उस सेल के भीतर बंद कर लेता है। देखिए ये देखिए, और इसे अगर आप जैसे ही पानी मिलेगा तो ये पानी में धीरे धीरे खुल जाता है, धीरे धीरे चलता है और खेती किसानी के लिए बहुत ही मददगार होता है। और ठीक इसी तरीके का वो सितुहा जो हम लोग देख रहे थे, वो भी वो सितुहे के भीतर भी इसी तरीके से जीव जो होता है गर्मी से मर जाता है और जब फिर से वापस, ये देखिए ये लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। नाम बताओ अपन। कवि कुमार। कवि कुमार, कवि कुमार सबसे बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। आप सभी लोगों के लिए खोल के दिखला रहे हैं कि कैसे घोंघे के भीतर जीव होता है। इसको लोग खाते भी हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी। जैसे लोग केकड़ा खाते हैं, सांप भी खाते हैं, घोंघा भी खाते हैं। घोंघा कहते हैं कि टीवी के जो मरीज होते हैं या फिर वो मरीज जिनको प्रोटीन की खास जरूरत होती है, वो इसको निकालने के बाद फिर इसको फ्राई करके खाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। गांव साधारण सौम्य गांव, वो जो पीछे खड़े हैं वो गांव के दुलरुआ गुंगा हैं। ठीक है, और जब पता नहीं कहां से आए हैं, इस गांव के ही अब हैं, सबके घर के हैं, गुंगा के नाम से ही प्रचलित हैं, न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। हाँ हाँ, परदेसी के नाम से पूरे गांव में प्रचलित हैं गुंगा। और ये आप सभी को मैं दिखाऊं कि इसको कहते हैं सितुहा, और ये सितुहा जो है अब धीरे धीरे इसका रिप्लेसमेंट हो गया है। द बिहार मेला आपको गांव दिखाता रहेगा। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद।